हेलो मैम, परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आज हम लेकर आ गए हैं अपनी फार्मास्यूटिक्स यूनिट 3 का लास्ट वीडियो, जो कि है हमारा प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन। तो आप लोगों ने अगर यूनिट 3 की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। और देखो, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एटलीस्ट आप लोग सस्पेंशन वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने देखा था अपने सस्पेंशन के बेसिक इंट्रोडक्शन को, और स्पेशली हम लोगों ने बात की थी फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के बारे में। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन के बारे में, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा सस्पेंशन है उसको हम लोग बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा एडिटिव्स या फिर एक्सीपिएंट्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन, यानी सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन में कौन कौन से एडिटिव्स या फिर एक्सीपिएंट्स को हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे ये सारे एडिटिव्स या फिर एक्सीपिएंट्स आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो आप लोग एक चीज़ ध्यान देना कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये डायरेक्टली फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन के नाम से बुक में दिया रहता है, तो आप लोग वहाँ पर कन्फ्यूज मत होना। फॉर्मुलेशन अगर दिया है तो आप लोग को यही सारी चीज़ें लिख के आनी है। तो इसमें हमारे ये सारे कुछ एक्सीपिएंट्स यूज होते हैं, जिसमें पहला है हमारा सस्पेंडिंग या फिर फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स, दूसरा है वेटिंग एजेंट्स, थर्ड है हमारा विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट्स, फोर्थ है बफर्स, फिफ्थ प्रिजर्वेटिव्स, फिर कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है इन सबको थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट्स के बारे में। तो देखो, जैसा हम लोगों ने देखा कि हमारा इमल्सन में क्या यूज होता था, इमल्सीफाइंग एजेंट्स, और इमल्सीफाइंग एजेंट्स क्या करता था, ऑयल और वाटर को मिक्स करने का काम करता था, यानी कि जो हमारी डिस्पर्स्ड फेज थी और कॉन्टिन्यूअस फेज थी उनको आपस में जो है मिलाए रखने का काम करता था। तो यहीं पे हमारा सस्पेंडिंग एजेंट्स क्या करता है, हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है जो कि हमारा डिस्पर्स्ड फेस होता है, और जो लिक्विड होता है जो कॉन्टिन्यूअस फेस होता है सस्पेंशन में, उन दोनों को आपस में मिक्स रखने का काम करता है। अब यहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट्स को हम लोग जो है फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि हमें कैसा सस्पेंशन चाहिए, फ्लॉक्यूलेटेड, क्योंकि डीफ्लॉक्यूलेटेड हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है उनको फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और जिसकी वजह से हमें जो है एक स्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे वेटिंग एजेंट्स के बारे में, तो ये क्या करता है, ये जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड मीडियम है उनके बीच में जो हमारा सरफेस टेंशन है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर देता है, और हमारे सस्पेंशन को यहाँ पे एक स्टेबल सस्पेंशन बनाने में हेल्प करता है। और विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट्स की बात करें तो ये हमारे सस्पेंशन की विस्कोसिटी को इन्हांस कर देता है, यानी बढ़ा देता है, ताकि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से सेटल डाउन ना हो। अब देखो, आप लोग को पता है कि हमारे सस्पेंशन में क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, यानी सेडिमेंटेशन को फॉर्म कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने सस्पेंशन को थोड़ा सा विस्कस यानी कि गाढ़ा बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि देखो, अगर कोई गाढ़ा लिक्विड है तो उसमें जल्दी से कोई भी चीज़ नीचे नहीं जाएगी। जैसे आप लोग शहद में अगर कोई चीज़ डालो, ठीक है, तो वो जल्दी से नीचे नहीं बैठेगी, लेकिन अगर पानी में डालोगे तो तुरंत जाके नीचे बैठ जाएगी। तो इसीलिए हम लोग अपनी सस्पेंशन में विस्कोसिटी इन्हांसिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं, जो सस्पेंशन की विस्कोसिटी यानी कि उसके गाढ़ेपन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से नीचे नहीं जाते हैं और हमारा सस्पेंशन यहाँ पे स्टेबल रहता है। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे बफर्स के बारे में, तो देखो बफर्स को तो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखा ही है। बफर्स क्या करता है, हमारे कोई किसी भी फॉर्मुलेशन के पीएच को जो है मेंटेन रखता है, यानी कम या ज़्यादा नहीं होने देता है। तो बफर्स क्या करता है, ये हमारे सस्पेंशन के डिजायर्ड पीएच रेंज को स्टेबल रखता है। और प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो ये हमारे सस्पेंशन में माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है प्रिवेंट करता है। अब अगर देखो आप लोग को एडिटिव्स, एक्सीपिएंट्स, ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म वाला लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पे इन सबको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखा था। और बात करें हम लोग अपने कलरिंग एजेंट्स के बारे में, तो इसमें हम लोग जो है टार्टाराजाइन, एरिथ्रोसाइन, इन सारे कलरिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। और फ्लेवरिंग एजेंट्स में हम लोग जो है वनीला, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, इन सारे फ्लेवर्स का यूज़ करते हैं। और स्वीटनिंग एजेंट्स में हम लोग जो है सुक्रोज, सैकरिन, इन सारे जो है सब्सटेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट्स होता है, इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग जो है ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स पूछ लिया जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स का मतलब क्या है, कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स, अगर इन तीनों को एक साथ कोई नाम दिया जाए तो वो होता है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फाइनली बात करें अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि
जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, उसको हम लोग जो है फाइन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमारे सस्पेंशन में जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो बहुत महीन होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है अपने इनसॉल्युबल पाउडर, यानी कि जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है जिसको हम लोगों ने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको हम लोग जो है एक मोर्टार में ले लेंगे। अब मोर्टार एंड पेस्टल हम लोगों ने इमल्सन में देखा था क्या होता है, मोर्टार एंड पेस्टल में ही बेसिकली हम लोग जो है अपने इमल्सन एंड सस्पेंशन को जो है प्रिपेयर करते हैं। अब देखो यहाँ पे इनसॉल्युबल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो क्या है कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं हमारे सस्पेंशन में, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं लिक्विड में। अगर सॉल्युबल हो जाएंगे तो हमारा सस्पेंशन बनेगा ही नहीं, तब तो वो हमारा सॉल्यूशन बना लेंगे। जैसे अगर बात करें तो नमक को आप लोग पानी में मिलाते हो तो नमक पानी में सॉल्युबल होता है तो वो मिल जाता है, तो मिलने के बाद क्या होता है वो सस्पेंशन थोड़ी हो गया, वो तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। सस्पेंशन क्या होता है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स ना मिले, अलग अलग दिखें। जैसे पानी में आप लोग जो है थोड़ा बालू वगैरह मिलाओ तो वो नहीं मिलेगा, तो इनसॉल्युबल होना चाहिए, ठीक है। जो सॉलिड पार्टिकल्स हमारे लिक्विड मीडियम में इनसॉल्युबल होते हैं वही हमारे सस्पेंशन को फॉर्म करते हैं, ठीक है, तभी जाके हमारा सस्पेंशन बनता है। अब उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे कि अपने सफिशियंट लिक्विड या फिर व्हीकल को उसमें जो है ऐड कर लेंगे अपने मोर्टार में, और उसके बाद उसका एक स्मूथ पेस्ट बना देंगे। आप लोग इसको बिल्कुल इस तरह समझो, जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा मोर्टार हो गया, ठीक है, मान लो ये हमारा एक मोर्टार है, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने अपने सस्पेंशन के सॉलिड पार्टिकल्स को ऐड किया, ठीक है, जो पाउडर के फॉर्म में थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अपने पाउडर्स को ऐड किया। अब उसके बाद देखो हम लोगों ने क्या किया, ऐड सफिशियंट लिक्विड, यानी कि अब हम लोगों ने अपने लिक्विड को ऐड कर दिया, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इन सबको जो है हमारे पेस्टल, देखो पेस्टल हमारा कुछ इस टाइप का होता है, तो पेस्टल से हम लोगों ने क्या किया, इसको जो है राउंड राउंड घुमा के हम लोगों ने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाउ ऐड एनी नॉन वोलाटाइल सॉलिड इंग्रेडिएंट इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें ज़रूरत है, ठीक है, यानी कि जो हमारे एक्सीपिएंट्स थे अगर उसमें हमारा कोई नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है तो अब हम लोग उसको ऐड कर लेंगे, यानी कि थर्ड नंबर पर हम लोगों ने क्या किया, नॉन वोलाटाइल को ऐड कर लिया, अगर प्रेजेंट है, यानी कि अगर ज़रूरत है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग अपने कोई वोलाटाइल सब्सटेंस को ऐड करेंगे, यानी कि इफ़ रिक्वायर्ड, देखो इफ़ रिक्वायर्ड यानी ज़रूरत है तो, अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, हम दोनों क्या, हम लोग क्या करेंगे इस वाली स्टेप्स को स्किप कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने वोलाटाइल सब्सटेंस को ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने अदर इंग्रेडिएंट्स, यानी कि और भी अगर कुछ बचा हुआ है तो उसको भी ऐड कर लेंगे और सबको जो है आपस में मिक्स कर लेंगे। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, अपने किसी और इंग्रेडिएंट्स, यानी कि अगर ज़रूरत है या फिर अगर प्रेजेंट है तो उन सबको ऐड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको जो है आपस में मिक्स कर लेंगे, ठीक है, और हमारा एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा, और इसको हम लोग जो है स्लरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो स्मूथ पेस्ट हम लोग बना लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अब जो है हम लोग इस वाले मिक्सचर को जो है एक मेजरिंग सिलेंडर में जो है ट्रांसफ़र करेंगे, और जितना वॉल्यूम हमें ज़रूरत है, यानी जितना हमें जो है सस्पेंशन की रिक्वायरमेंट है उतना बना लेंगे, उसमें क्या करके सफिशियंट व्हीकल को ऐड करके। यानी अब हम लोगों ने देखो क्या किया, हम लोगों ने स्मूथ पेस्ट बनाया, हमारा सस्पेंशन पेस्ट तो होता नहीं है, हमारा सस्पेंशन तो जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारा जैसे कोई बड़ा सा मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें हमारी मेजरमेंट्स लिखी हुई है जितना ज़रूरत है, ठीक है, जैसे हमारा 1000 हो गया या फिर मतलब कितना भी जितना हमें ज़रूरत है, 1000 लीटर वगैरह वगैरह। तो अब हम लोग अपने इस स्मूथ पेस्ट को इस वाले सिलेंडर में ट्रांसफ़र करके और इसमें जो है हम लोग जो है अपना लिक्विड यानी कि व्हीकल जो है हमारा ऐड करके और उसके बाद हम लोग अपने फाइनल सस्पेंशन को यहाँ पर प्रिपेयर कर लेंगे। अब बात करें हम लोग यहाँ पर इसकी पैकेजिंग और स्टोरेज के बारे में, तो इसको हम लोग जो है एक थिक कंटेनर में स्टोर करते हैं, ठीक है, जिसका माउथ यहाँ पे वाइड होता है, यानी कि उसका जो ढक्कन होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। और स्टोरेज की बात करें तो हम लोग इसको एक कूल ड्राई प्लेस में स्टोर करते हैं। और फाइनली बात करें हम लोग अपने स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पर बेसिकली इस टॉपिक का नाम होता है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन सस्पेंशन एंड मेथड्स टू ओवरकम, ठीक है, जैसा हमारा इमल्सन में था। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग जब अपने सस्पेंशन को जो है स्टोर करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि सस्पेंशन हमारा अनस्टेबल हो जाता है। तो मतलब ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें हमारी जो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें हमारा केकिंग होता है, ठीक है, और कैप लॉकिंग, कलर चेंज, पीएच चेंज, रैपिड सेटलिंग, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हमें जो है सस्पेंशन की स्टोरेज में देखने को मिलती हैं।
तो इसको देखो हम लोग कैसे मतलब दूर कर सकते हैं और कैसे है मतलब होती हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अब जैसे बात करें हम लोग यहाँ पे केकिंग की, तो हम लोगों ने देखा था अपने लास्ट वाले लेक्चर में कि जो हमारा सस्पेंशन है उसमें जो है केकिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और स्पेशली जो हमारा डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है। देखो केकिंग होती तो फ्लॉक्यूलेटेड में भी है, डीफ्लॉक्यूलेटेड में भी है, लेकिन जो फ्लॉक्यूलेटेड में होती है वो हार्ड नहीं होती है, यानी बहुत आसानी से वो जो है दोबारा से रीडिस्पर्स हो जाती है। लेकिन जो हमारा डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है उसमें बहुत ही हार्ड सेडिमेंट बन जाता है, यानी बहुत ही हार्ड केक फॉर्म कर लेता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सस्पेंशन जो है बेकार हो जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हमारे जो स्मॉल पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है कि आपस में बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, और उसकी वजह से बहुत ही हार्ड केक फॉर्मेशन हो जाता है। तो बात करें इसके प्रिवेंशन की, यानी हम लोग जो है इस प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम लोग अपने सस्पेंशन में फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स को ऐड कर दें, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो सस्पेंशन है उसमें हार्ड केक का फॉर्मेशन नहीं होगा। और वहीं बात करें हम लोग अपने सेकेंड स्टेबिलिटी प्रॉब्लम की, तो ये होता है हमारा कैप लॉकिंग। अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि हमें पता है कि सस्पेंशन में हमारा क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स जो है डिस्पर्स्ड फेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये जो बॉटल का कैप होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर आके चिपक जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सस्पेंशन जो है अच्छे से लॉक नहीं होता है। यानी इसको आप लोग ऐसे समझो कि जैसे ये हमारा मान लो सस्पेंशन है, ठीक है, ये हमारा सस्पेंशन है, ये हमारा सस्पेंशन की बेसिकली मान लो बॉटल है, ठीक है, सिरप। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो ये कभी कभी जो है आके यहाँ पे चिपक जाते हैं, ठीक है, यानी बॉटल की साइड में, यानी बॉटल की कैप का जो माउथ होता है वहाँ पे आके जो है ये चिपक जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, देखो हमारा जो अब ये मान लो हमारा ये ढक्कन है, ठीक है, सस्पेंशन का कैप है, ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये अच्छे से बंद नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, इसको हम लोग दूर कर सकते हैं बाई यूजिंग डिफरेंट व्हीकल्स कंटेनिंग सुक्रोज ग्लूकोज एंड सॉर्बिटॉल। तो अगर हम लोग कोई ऐसा व्हीकल यूज़ करें, यानी ऐसा मतलब अपना सॉल्वेंट यूज़ करें, ऐसा लिक्विड यूज़ करें जिसमें हमें सुक्रोज ग्लूकोज और सॉर्बिटॉल देखने को मिले, तो ये क्या करते हैं कि जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको जो है आपस में बहुत अच्छे से मिक्स रखते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे सस्पेंशन से अलग होके हमारे मतलब हमारे बॉटल की माउथ पे जाके नहीं चिपकता है, और हमें जो है ये कैप लॉकिंग की प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे कलर चेंज की, तो देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सस्पेंशन है, ठीक है, तो उसमें कुछ लाइट सेंसिटिव कलर मिक्स होते हैं, और अगर हम लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अपने किसी लाइट वाली एरिया में रख देते हैं, यानी कि मान लो सन के एक्सपोजर में हम लोगों ने रख दिया जहाँ पे धूप वगैरह लग रही है, तो वहाँ पे उसका क्या होता है, कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है, और कलर चेंज होने की वजह से क्या होता है, हमारा सस्पेंशन जो है ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं बाई कीपिंग द बॉटल इन अ डार्क प्लेस, और इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि सस्पेंशन को हम लोग जो है कूल डार्क प्लेस में स्टोर करते हैं, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे पीएच चेंज की, तो देखो क्या होता है कि जब हम लोग अपने सस्पेंशन को बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं, तो कभी कभी उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज कर जाती है, यानी बढ़ या घट जाती है, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है हमारे सस्पेंशन का यहाँ पे पीएच चेंज हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बफर्स को ऐड कर सकते हैं। अब बफर्स को तो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देख रखा है, तो बफर्स क्या करेगा कि उसके पीएच को यहाँ पे कॉन्स्टेंट मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। और फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं रैपिड सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पार्टिकल्स यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि आप लोग को पता है कि जैसे हमारा ये फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है, तो यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि इसका वेट यहाँ पे बढ़ जाता है, जैसे हमारा फ्लॉक्यूल्स है तो वो यहाँ पे जो है भारी हो जाते हैं, और उसकी वजह से देखो ये बहुत तेज़ी से जाके नीचे बैठने लगते हैं, यानी रैपिडली यहाँ पे बॉटम में सेटल होने लगते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सस्पेंशन को जो है हम लोग गाढ़ा बना सकते हैं बाई एडिंग विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट्स। देखो हमें सस्पेंशन तो फ्लॉक्यूलेटेड ही चाहिए क्योंकि वही हमारे काम का है, तो यहाँ पे हम लोग जो है अपने फ्लॉक्यूल्स को जल्दी से नीचे ना बैठे, उसके लिए हम लोग जो है विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो उसके विस्कोसिटी को यहाँ पे बढ़ा देगा, और जिसकी वजह से जो हमारा फ्लॉक्यूल्स है वो जल्दी से नीचे नहीं आएंगे और हमारा सस्पेंशन जो है स्टेबल रहेगा। तो यूनिट 3 की नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, और बाकी आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है आज की वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।